वेलकम बैक टू हेल्दी मॉर्निंग। और आप देख रहे हैं कि मेरे अराउंड में इतनी सारी चीजें आ गई हैं। अब ये क्या है? ये होता है, इसको कहते हैं क्ले आर्ट। और ये क्ले आर्ट कैसे है, आप देख रहे हैं, सिर्फ से डेकोरेशन नहीं बने, वॉल हैंगिंग नहीं बनी हुई, इस तरह की चीज भी है और मग भी है और ये कार्ड होल्डर नेपकिन भी है और ज्वेलरी भी है। अब ये सब चीजें क्या हैं, किसने बनाई हैं सब चीजें, कौन है इसके पीछे? तो इसके पीछे हैं बीना अली, क्ले आर्टिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसी वालेकुम। हाँ हैं जी, बीना? ठीक ठाक। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। व्हाट अ क्रिएटिव वर्क, आई थैंक यू एम रियली रियली इम्प्रेस थैंक बीना। यू। ये सब ये क्या है? दिस इज़ अ न्यू लाइन जो हम लोग ने डेवलप की है। सिरामिक्स में हम लोग कर रहे हैं कि क्रॉकरी है। ये जो कप है दैट गोज ऑन टॉप ऑफ दैट प्लेट, वो जो आपके साथ रखी हुई एक प्लेट, इट्स मतलब बिस्किट कुकी एंड टी। आप इसमें बिस्किट रख सकते हैं और जी इसमें आप बिल्कुल। टी कॉफी दे सकते हैं। वाओ, दिस इज सो प्रिटी, ओ माय थैंक यू। गॉड। इसमें हम लोगों के पास मग्स वगैरह हैं जिसमें हम लोग कस्टमाइज भी करते हैं, किसी को अगर नाम कैलीग्राफी में करवाना हो उस तरह भी करते हैं। एंड देन वी हैव गॉट जनरल मग्स भी होते हैं हम लोग के पास, हैंड ओके, पेंटेड। एंड दिस इज, दीज आर कोस्टर्स। ओह गॉड, दिस इज अ कोस्टर। जी ओके, यानी इसके नीचे हम, दिस बिल्कुल। इज ब्यूटिफुल, थैंक यू। दिस इज क्ले, दिस इज क्ले। ओके, एंड दिस इज अ वॉल हैंगिंग। जी दैट्स अ वॉल हैंगिंग। इसमें हम लोग के पास बहुत रेंज है। अभी उठा के एज अ सैम्पल हम लोग, आई जस्ट ब्रॉट वन। तो इसके ऊपर ये पेंट कैसे हुआ भाई? मार्कर है या नहीं कोई नहीं और ये ऑल पेंट है? ये ब्रश वर्क है और सब हैंड पेंटेड है। सब हैंड पेंटेड हाँ, है। हम लोग का मेजरली जो काम है वो ये सब जरा ये हैंडमेड वाला होता है। कोस्टर तो देखिए आप, साइड में इसके जी वो भी पास हुआ हुआ है। वेरी नाइस, वेरी वेरी प्रिटी। थैंक और यू। ये ज्वेलरी? ज्वेलरी में जैसे ये पीसेस सारे हैंड पेंटेड है। इसमें ये पीसेस सारे हैंड पेंटेड, इनको इनकॉर्पोरेट करते हैं जो कि एक नेचुरल लुक का जो भी मटेरियल अवेलेबल होता है वो सब इनकॉर्पोरेट करके हम ये भी थोड़ा सा कुछ एक है एक झलक ऑफ ऑल दैट वी डू। इसमें हम लोगों के पास इयररिंग्स में भी बहुत सारे ये देख रहे शेड्स हैं का, आप, ये रिंग है, ये भी सिरेमिक नहीं, नहीं ये क्ले की है। ये भी क्लियर। हाँ और ये रिंग मुझको आ भी गई, तो अब ये उतरेगी नहीं। आ पिया, उतर नहीं रही जी, जो रिंग आ जाती है मेरे पास वो उतरती नहीं है लेकिन आप देख रहे हैं ये रिंग भी है माशाल्लाह। और बैंगल्स, बैंगल्स, ये भी क्ले, एवरीथिंग एवरीथिंग इज क्लियर। इज क्ले। इयररिंग्स, वाओ, इयररिंग्स, डू यू मेक दिस योरसेल्फ? आई हैव ट्रेन्ड, आई हैव गॉट इट लाइक अ स्टाफ ऑफ अबाउट एट बॉयज एंड गर्ल्स जो कि उनका मतलब बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत कम है, अच्छा, तो उनको ट्रेन किया है। उसमें एक एथिकल पर्पस भी था, एक सिविक पर्पस था कि जो बच्चे जिनकी एजुकेशन कम है उनको एक स्किल ट्रांसफ़र की जाए, उनको सिखाया जाए, इंस्टेड ऑफ देम गेटिंग इनटू समथिंग बैड वो अच्छी मतलब एक स्किलफुल, उसमें उनकी ट्रेनिंग पीरियड का भी हम लोग पे करते हैं उनको जब ट्रेन कर रहे होते हैं। ओके, और फिर एंड ट्रेनिंग इज ऑब्वियसली फॉर फिर हाउ लॉन्ग, कितने अरसे के लिए? दो से तीन महीने लग जाते हैं एक को, तो जिसमें एंड इट्स अमेजिंग कि इनमें कितनी टेंडेंसी है और कितना कितने क्रिएटिव है जो ये कि आपने खुद सब कहाँ से किया? नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर। लाहौर से, लेकिन एन सी ए से? हाँ आई एम ए ओके, टेक्सटाइल डिज़ाइनर वैसे बाय प्रोफेशन, बट समझ नहीं आया वेल आई गेस आपको एक दफ़ा ट्रेनिंग मिल जाए फिर हाँ आप किस फील्ड में जाते हैं, क्योंकि आपका बेसिक सेंस डेवलप हो गया होता है। फर्स्ट ईयर में हम लोग हर फाउंडेशन ईयर में हम लोग को सब कुछ कराया जाता है, ठीक है, स्कल्पचर हो, पेंटिंग हो, डिज़ाइन हो, सब करते हैं। सेकेंड ईयर में फिर अगर डिज़ाइन में है तो सारे डिज़ाइन पढ़ाया जाता है, ऑल फील्ड्स। फिर थर्ड ईयर में हम लोग स्पेशलाइजेशन करते हैं। तो काम शुरू किया था हम लोग ने 95 में व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट विथ फ्रेंड्स। तो अब मतलब इट्स बीन व्हाट 17 इयर्स दिस यस, ईयर। 17, या मोर देन दैट। अगर आपने 95 में शुरू किया तो इट्स लाइक
अगले साल 18 हो जाएगा. लेकिन 2001 से फिर उसको प्रोफेशनली कैरी ऑन किया था फुल. ओके ऑलराइट, दैट्स वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी हाईली इम्प्रेसिव. इस तरह का आर्ट वर्क आप कहीं देखते हैं तो एकदम से दिल खुश होता है. देखिए बाकी सारे काम प्रोफेशंस की अपनी जगह अहमियत है और वो होते हैं, बट इस तरह का काम करने के लिए जो ब्रेन चाहिए होता है ना, पीछे क्या था, बचपन से कुछ था अंदर, क्या दिल में था कि कोई आर्ट की तरफ जाना है? घिसी पिटी बात है, लेकिन आई वॉज ऑलवेज इन टू आर्ट. मतलब कुछ ना कुछ ड्राइंग करना, कट ओरिगामी करना, या फिर पेपर काट के कुछ बनाना, क्रिएटिविटी हमेशा से, वो शौक हमेशा से था. एंड देन माय फादर रियली ग्रूम्ड इट. स्टिचिंग एज वेल, एंड यू नो और उसका क्या तरीका कार है? अच्छा, आप लाहौर में है ना? जी. तो उन्होंने इनिशियली जो सीखा है वो लाहौर से ही सीखा है, तो अभी हम इनसे पूछ लेते हैं कि कैसे हो सकता है. ठीक है, ठीक है, चले जी, हम आपको बता रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. जी मैम, बैठे बैठे मतलब स्टूडेंट लोग आपके स्टूडेंट बनना चाह रहे हैं. हाँ, एक्चुअली जब इतना काम करते हुए हम लोगों के पास ट्रेनिंग का बिल्कुल टाइम नहीं होता है, एंड आई फील कि जिनको हम लोग ट्रेन कर रहे हैं उनको ज़्यादा ज़रूरत है उस ट्रेनिंग की. कि मतलब ये वो बच्चे हैं जो कि एक अच्छे हुनरमंद काम कर रहे होंगे, इंस्टेड ऑफ यू नो घर से घर जाके जो काम कर रहे होते हैं, या किसी गलत सलत आदतों में सही मुलव्वस हो जाएं. तो उसके बाद फिर आई हैव माई वेबसाइट, आई हैव माई फेसबुक पेज, अपना डिस्प्ले है और नेशन वाइड सप्लाईज है. ओके, तो उसमें बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाते. देन आई हैव गॉट किड्स, यू नो माय हस्बैंड एंड आई वर्क टुगेदर. चलिए, आपसे अगर ट्रेनिंग ना ले सके तो कहाँ से ट्रेनिंग ले लें क्ले आर्ट की? आई एम श्योर वर्कशॉप्स लाहौर में भी कंडक्ट होते होंगे. अगर मालूम करने के लिए वो NCA भी जा सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे, क्योंकि नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट जो है लाहौर में, वहाँ पे आप क्ले आर्ट के बारे में मालूम कर सकते हैं. बिकॉज आई एम नॉट इन लाहौर एनीमोर, सो आई वुडंट बी एबल टू सजेस्ट कि आप इधर जाएं तो आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी, लेकिन वहाँ से पता जरूर चल जाएगा. और फिर जी टोटली आपके इंटरेस्ट पे आपको कितना टाइम लगेगा, जितना आपका इंटरेस्ट होगा उतना कम टाइम लगेगा, जितना आपको ज्यादा सीखने का शौक होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा. सही. ओके, सो दिस इज हाउ यू स्टार्टेड बचपन से. अच्छा, तो घर वाले वर लाइक टोटली इन फेवर ऑफ इट कि हां जाएं हम क्ले आर्ट की तरफ, या फिर आप उस तरफ यू नो क्ले में इतना इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, बैंकर बनो, ये वाला कोई चीज नहीं? आई इट वाजंट लाइक आई वाज इनटू क्ले ऑलवेज. हां हां, यू नो इट वाज ड्राइंग, पेंटिंग, crafts some kar liya, some form of art. Lekin my father really groomed my passion. Matlab unhone hamesha encourage kiya. My mother was very encouraging. Kyunki jab hum log kaam kar rahe hote the exhibitions ke liye, to ghar hum log andha kar dete the. Okay. And aisa tha nahi tha ghar mein jitni cheeze phekne wali hain un sab pe bina bullet ke kuch bana rahi hain. Aisa hota tha ki nahi hota? Spray guns chal rahi hoti thi, wahi pe hum log candles bana rahe hote the, me and my friends, jab matlab 95 mein jab एग्जीबिशंस वगैरह करते थे. तो मतलब बहुत इंकरेजमेंट हमें उस वक्त मिली थी हमेशा. एंड इवन आफ्टर माय मैरिज, माय हस्बैंड ही वर्क्स विद मी एज वेल, ही इज एन आर्किटेक्ट, अली मुस्तफा, ही इज आल्सो फ्रॉम NCA. तो ही इज आल्सो लाइक माय बैकबोन. My in-laws have been very supportive. My kids are now very supportive. That's I've been very, very lucky. You've been very lucky all this time. Yeah. Chale, that's very nice. और इनसे further बात करते हैं और भी जानते हैं छोटे से break के बाद. छोटे से break है, अभी वापस आ रहे हैं. आप कहीं नहीं जाएंगे.